नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी के जो है विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम समझ की सीढ़ी के अंतर्गत जो है बादल फटना जैसे संक्षिप्त टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण कर्मिक जो है रूप से परिवर्तन होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम कहीं पर देखें कि किसी स्थान पर यदि बहुत ज्यादा बारिश होती है तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर बारिश के लिए जो है बादल फट गया है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट को और तथ्य को समझना आवश्यक है कि हर तेज गति से बारिश होने को हम बादल का फटना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बादल के फटने के लिए एक अंकीय जो है परिभाषा निश्चित की गई है और उस परिभाषा के अंतर्गत ही हम बादल फटने की स्थिति को जो है समेटने का प्रयास कर सकते हैं। बेसिकली जब हम किसी क्षेत्र में इस बात को अंकित करते हैं कि एक घंटे में जो है 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो उस क्षेत्र में यह कहा जाता है कि बादल फटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यानी कि एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो गई है तो हम इसे कहते हैं कि वहां पर बारिश के कारण से जो है बादल फटना हो गया। यानी कि इसमें जो है हम कई बिंदुओं को शामिल करेंगे। एक तो इसमें तेज बारिश है, दूसरा जो है परिभाषा है, तीसरा इसमें जो है दुष्परिणाम है, चौथा जो है उत्तराखंड का बादल फटना है और हाल फिलहाल। तो इस तरीके से यहां पर जो है हम पांच बिंदुओं के माध्यम से ये बिंदुवार हम इसलिए व्याख्या करते हैं क्योंकि परीक्षा में टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है और आप लोगों के लिए जरूरी है कि इस तरीके के एक अप्रोच डेवलप करने का प्रयास कीजिए कि कोई अगर फैक्ट एंड फिगर आपके सामने आता है तो उससे आगे की और उससे पीछे की जो है घटना और विशेषताओं को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उस विषय के संदर्भ में अपनी जानकारी को जो है व्यापक बना सके, पूर्ण बना सके और उस पे एक स्पष्ट दृष्टिकोण का जो है विकास हो सके। तो जब हम बादल फटने जैसी स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके का कुछ फिगर निकल करके सामने आता है। यहां पर हम किसे एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं और इसी तरीके से अन्य सभी विषयों और टॉपिक्स पर आपको इस तरीके के दृष्टिकोण को विकसित करने की जो है जरूरत है। तो जहां पर हम इसको शुरू करते हैं कि कहीं पर अगर तेज बारिश होती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि यह कृषि के लिए और अन्य जानमाल के लिए काफी नुकसान कर सकती है, तो क्या यह बादल फटना है? लेकिन नहीं, हम हर तेज बारिश को बादल का फटना नहीं कह सकते हैं। बादल का फटना उसी आधार पर हम निश्चित करते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो यह माना जाता है उस क्षेत्र में बादल के फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां पर जान माल को व्यापक स्तर पर जो नुकसान पहुंचता है, मानव को दूसरे स्थान पर जो ले जा सुरक्षित ले जाना भी पड़ता है, सड़कें टूट जाती हैं और बाढ़ के ऊपर से पानी बहने लगता है। और इसी तरीके की कुछ स्थिति हम अगर देखें तो 2013 में उत्तराखंड में आया था और काफी लंबे समय तक वो कई राज्यों में अपना जो है प्रचंड रूप जो है दिखाता रहा, जानमाल को काफी नुकसान पहुंचाता रहा। और इतना ही नहीं है, इतना महत्वपूर्ण हुआ कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही परीक्षाओं में यहां से कई सवाल और बार बार पूछे गए। तो ये उत्तराखंड की घटना है। और भी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में अगर देखा जाए तो होंजरी गाँव में 28 जुलाई को वहां पर बादल फटने की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि बादल फटने की स्थिति हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उत्पन्न होती रहती है और इसी को हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का असंतुलन कह सकते हैं। इसमें मानव के लिए जो है एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि वो अपने जीवन और अपने दिनचर्या को संयमित करने का प्रयास करें ताकि पर्यावरण उसके साथ नकारात्मक खेल के बजाय उसके जीवन को सुधारने का जो है एक मार्ग प्रशस्त कर सके। तो आज के लेक्चर में इस संक्षिप्त वीडियो में हम लोगों ने बादल फटने की चीजों को जो है समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप स्वयं अपने स्तर पर जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को डेवलप करने का प्रयास कीजिए, उसमें अपना अप्रोच विकसित करने का प्रयास कीजिए ताकि मुख्य परीक्षा के स्तर पर आप लोगों को उत्तर लिखने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो आज की संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में पुनः इसी तरीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।